ओम शांति। संगठनों में रहते हुए या परिवार में रहते हुए, कलियुगी संसार में विचरण करते हुए, ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। परंतु सभी जानते हैं, दूसरों को संतुष्ट करना, स्वयं संतुष्ट रहना, दोनों ही कितने कठिन होते जा रहे हैं। लोगों के स्वभाव संस्कार ऐसे उग्र होते जा रहे हैं कि घर में आते ही वो अशांति पैदा कर देते हैं, और जो शांत रहना चाहते हैं, जो प्रसन्न रहना चाहते हैं, उनको भी नहीं रहने देते। नई आत्माएं घरों में आती हैं अपने बहुत कलयुगी बुरे संस्कारों के साथ, और घर की शांति को ही भंग कर देती हैं। ऐसे में अगर हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तो हम न केवल स्वयं की स्थिति को संभाले रखेंगे, लेकिन हमारे वाइब्रेशन सुन के चित्त को भी शांत करेंगे, चैन देंगे। आत्माएं न जाने क्या क्या लेकर आती हैं अपने घरों से, बुरे संस्कार, बुरा व्यवहार, न जाने क्या क्या विकर्म करके आ जाती हैं। न जाने कितनों को सताया होगा, कितनों से दुष्कर्म किए होंगे। ऐसी आत्माओं को भी संतुष्ट करना, शांत करना, ये तभी संभव होगा जब हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट होंगे। और स्वयं से संतुष्ट वही आत्मा होती है जिसके पास सर्व प्राप्तियां हो, जिन्होंने भगवान से सब कुछ पा लिया हो, उसमें भी सर्व शक्तियां, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ खजाना है, जो हमें सहन शक्ति देता है, जो हमें समाने की शक्ति देता है, जो हमें क्रोध से मुक्त रखने का बल देता है, ऐसी शक्तियों का स्टॉक हमें जमा करना चाहिए। और ये शक्तियों का स्टॉक, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, इस स्मृति से साथ में सर्व शक्तिवान से योग युक्त रहने से प्राप्त होता है। हम सर्व शक्तिवान से जुड़े रहें, चाहे उससे कंबाइंड, चाहे वो हमारे सिर पे छत्र छाया है, वो मेरा है, चाहे ये स्मृति के सर्व शक्तिवान मेरे साथ है, ये स्थिति को शक्तिशाली बनाएगा। और शक्तियों के वाइब्रेशंस स्वतः ही बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे आपने कहीं आग जलाई हो, अग्नि के प्रकंपन जो चारों ओर फैलेंगे, उसकी तरंगे सारे वातावरण को गर्म कर देंगी, मच्छर भाग जाएंगे, सर्दी समाप्त हो जाएगी, अनेकों को राहत मिलेगी, सर्दी का प्रकोप किसी पर चल रहा हो वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही सर्व शक्तियों के वाइब्रेशंस अनेक चीजों को समाप्त कर देते हैं। इसलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और बार बार अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। ईश्वमान ने आज तक चमत्कार किए हैं, कईयों की अनेक समस्याएं नष्ट की हैं, और कुछ भी नहीं आता था, केवल मैं मास्टर सर्व शक्तिवान, सारा दिन इस धुन में लगा दिया और अनेक व्यर्थ की बातें और समस्याएं समाप्त हो गई। तो हम सभी स्वयं को भी संतुष्ट रखें। कलयुग के इस वातावरण में जो कुछ हो रहा है उससे अच्छा नहीं हो सकता, और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ये रहस्य याद रखते हुए स्वयं को शांत करें। हमने किसी को कष्ट दिया है तो वो हमें कष्ट दे रहे हैं, स्वीकार कर लें। उनको दोष देते हुए, उनके प्रति कटु दृष्टि रखते हुए अपनी शांति को नष्ट न होने दें।
तो अपना चित्त शांत, स्वयं की स्थिति संतुष्ट, तो हम दूसरों को भी सहज संतुष्ट कर सकेंगे। जो ज्ञान लेने हमारे पास आएंगे वो भी संतुष्ट होकर जाएंगे, और जो व्यवहार में हमारे साथी बनेंगे वो भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। तो आज सारा दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और परम धाम से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं, ये अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।